जब इतिहास रचा जाता है तो वो ऐसा ही एक साधारण सा पल होता है, लेकिन जब इतिहास रच जाता है और उसे पढ़ा जाता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जा रहे हैं सैमसंग और उत्तर प्रदेश सरकार के MOU पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच साकार होने जा रही है, हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और उसी दिशा में उठाया गया एक कदम आज का ये हस्ताक्षर MOU पर आदान प्रदान। वास्तव में ये MOU का आदान प्रदान नहीं, एक दूसरे के प्रति सहयोग विश्वास और मनोबल का आदान प्रदान है जो हमारे सपनों को सच करने की सामर्थ्य रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं प्रेसिडेंट और CEO सैमसंग श्री HC होंग जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करें। सर प्लीज कम। रामारमन जी और उपस्थित सभी सैमसंग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, बड़ी संख्या में पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले मिस्टर HC होंग साहब का जो CEO है इंडिया के सैमसंग के, उनका धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। साथ ही साथ उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जहां उत्तर प्रदेश में आप अपने प्लांट का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, हालांकि बहुत दिनों से और इतिहास पुराना है आपका कि आप नोएडा में और देश में पहले से काम कर रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि सरकार की पॉलिसी के माध्यम से अब आपको कहीं और जाने का मौका नहीं मिल दिया हम लोगों ने, और उत्तर प्रदेश में ही नोएडा में आपको मौका दिया और आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, क्योंकि जहां देश में और दुनिया में आप हैं वहीं बड़े पैमाने पे आपकी नोएडा में उपस्थिति होगी, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जहां पॉलिसी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट आ रहा है वहीं बड़े पैमाने पे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचेगा। न जाने कितने लोगों का जीवन बदलेगा और आपके जो सामान जो बन रहा है, जो चीजें बन रही हैं, उनसे लोगों के जीवन में कितना आराम और कितना बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है तेजी से, जो खबर शहरों में है, जो मांग शहरों में है वो गांव में भी पहुंचेगी एक। और मुझे खुशी इस बात की है जितनी मांग शहरों में है उसके ही बराबर मांग अब गांव में भी दिखाई दे रही है। जो कुछ चीजें सीमित थी, मान लीजिए फ्रिज शहरों तक ही सीमित हुआ करती रही होगी, लेकिन आज जरूरत और लोगों के बीच में थोड़ी बहुत खुशहाली जो आई है उसका परिणाम यह कि आज फ्रिज TV गांव में भी पहुंचने लगा है। वही मोबाइल का माध्यम ऐसा बना है कि कोई आज बिना मोबाइल के चल नहीं सकता। हमारे देश में और खासकर यूपी में तो आदत है एक नहीं दो दो मोबाइल, और कई लोगों को ढूंढने पे 3 मोबाइल में भी नहीं मिलते हैं। तो सोचो ऐसा बाजार कहां मिलेगा आपको जहां पर लोग अपनी जेबों में एक नहीं दो दो मोबाइल रखते हों, शायद दुनिया में कम जगह होगी। ऐसे भी मोबाइल हैं जहां एक ही मोबाइल में कई सिम आ जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं आपका मोबाइल जो है वो बेहतरीन मोबाइल है, लोकप्रिय है, लोगों के बीच में है, मार्केट में तो है ही नंबर एक, लेकिन और भी जो जरूरत के हिसाब से जो चीजें होने चाहिए उसमें भी नंबर एक है। तो जहां सरकार लगातार काम कर रही है इन्वेस्टमेंट का, वहीं मार्केट कैसे ग्रो करे उस दिशा में भी काम कर रही है। और सबसे ज्यादा मैं समझता हूं आने वाले समय में
पिछले चार साल में पांच साल में इतना लैपटॉप कहीं नहीं बिका होगा या लोगों में नहीं बटा होगा जितना उत्तर प्रदेश में बटा है। और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो खुशहाली है, जो तरक्की है, जिस रफ्तार से समाजवादी लोग आगे ले जा रहे हैं, ये तमाम चीजों की डिमांड बहुत बढ़ेगी, बड़े पैमाने पर डिमांड बढ़ेगी। और मोबाइल की तो इस कदर बढ़ेगी कि हो सकता है कि मोबाइल इतना बांटना पड़े जो शायद बनाने में भी हम लोग पीछे रह जाए। हालांकि पहले लैपटॉप दिया, इस बार कोशिश है हमारे के स्मार्टफोन भी लोगों के हाथ में आ जाए, और वो इसलिए कि सुविधा है और इसलिए कि सरकार की जानकारी लोगों तक पहुंचे। और लोग अगर कुछ चीज जानना चाहें, अगर हमारा किसान गांव में रह रहा वो जानना चाहे, कुछ छात्र कुछ जानना चाहें, रोजगार के बारे में चीजें जानना चाहें, या जो ऐप के माध्यम से लगातार सूचना मिल सकती है, अगर वो मिल सके तो मैं समझता हूँ स्मार्टफोन एक जरूरत की तरह लोगों के बीच में आएगा और समाजवादी लोग उस दिशा में काम करते हैं। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि आप जहाँ देश में आए वहीं उत्तर प्रदेश आपने समझाया, उत्तर प्रदेश में आगे बढ़े। हमारा पूरा सहयोग आपके साथ होगा, हमारे अधिकारियों का पूरा सहयोग आपके साथ होगा। जहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इतनी तेजी से काम किसी सरकार में नहीं होता होगा जितना उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार में काम हो रहा है, वहीं संतुलन बनाया हम लोगों ने। अगर बड़ी चीजों की बात की, एक्सप्रेसवे की बात की, तो जिला मुख्यालय हमारे कैसे जुड़ जाए उस दिशा में भी काम किया। अगर एम्बुलेंसेस की बात की है तो जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज कैसे बन जाए उस दिशा में भी काम किया। अगर लैपटॉप दिया है तो डेयरी में कैसे बढ़ावा मिल सके उस दिशा में भी काम किया। अगर हमारे शहर अच्छे हो जाए तो गांव भी पीछे न छूट जाए उस दिशा में भी हम लोगों ने काम किया। और मैं ये कह सकता हूं इतने बड़े पैमाने पर काम और रोजगार और नौकरियां किसी प्रदेश में नहीं मिली होंगी जितनी उत्तर प्रदेश में मिली। मैं समझता हूं इसी रफ्तार से अगर प्रदेश बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा आगे, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर दिखाई देगा। हालांकि बहुत सारे प्रदेशों को हम लोग बहुत सी चीजों में पीछे छोड़ चुके हैं। इसलिए स्वागत है आपका, अपने अधिकारियों का धन्यवाद कि उन्होंने कम समय में चीजों को पूरा किया है। आज सैमसंग का हो रहा है, आने वाले समय में आपके बीच में हम लोग बाबा रामदेव जी के साथ मिलकर के भी बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो अगर मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, टीवी का काम करेंगे तो वहीं दाना, खाना, पानी, दूध, पनीर, चीज और तमाम जो सामान आपको बाजार में मिलते हैं उनकी दिशा में भी काम करेंगे। तो आज का दिन हमारे लिए इसलिए अच्छा है, एक तरफ तो दूसरी तरह के इलेक्ट्रॉनिक काम करना है, वही हमारी जो बुनियादी चीजें हैं, जो दूध दही से लेकर के पतंजलि जो शुरू करेगा काम, उसके लिए भी हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश हब बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश एक सेंटर बढ़ेगा इन चीजों के। आप सबको बहुत बहुत बधाई और सैमसंग को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ, खासकर उनकी जो सीईओ इंडिया है सैमसंग के एससी होंग साहब का, और उनके साथ जितने सहयोगी साथी हैं उनको बहुत बहुत बधाई। भारद्वाज साहब का इसलिए बधाई कि वो अगर इतना पीछा न करते तो शायद सरकार धीमे चलती। उन्होंने लगातार पीछा नहीं छोड़ा और लगातार फॉलोअप करते रहे, और उसका परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है जो सीधा सीधा हमारे नौजवानों को और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में हम वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स सैमसंग श्री दीपक भारद्वाज जी से अनुरोध करेंगे कि वे अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री चौधरी जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब राहुल भटनागर जी, माननीय इंडस्ट्री सेक्रेटरी श्री रामारमन जी और उपस्थित मीडिया के दोस्तों, यह आज हमारे लिए गर्व का दिन है कि 20 साल की जर्नी पे सैमसंग एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट
उत्तर प्रदेश में वहीं उसी स्थान पे जहां ये जर्नी शुरू हुई थी 20 साल पहले नोएडा में, वहां हम एक्सपेंशन करेंगे। मेरे पास मिस्टर एचसी होंग हमारे सीईओ प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं, उन्होंने अपने विचार सारे प्रस्तुत किए आपके सामने, पर मेरे ख्याल से हमारे सब सैमसंग परिवार की तरफ से कुछ धन्यवाद करना जरूरी है कि ये स्टेट की जो डायनामिज्म है, इस स्टेट में जो एनर्जी है, शायद इसमें जो तीन नदियां मेन बहती हैं वहां से हिस्टोरिकली वो एनर्जी शुरू होती है,